हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भेल। फॉर दिस यू नीड 150 ग्राम नूडल्स। सबसे पहले कढ़ाई में पानी लेना है, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, देन नूडल्स डालकर इन्हें बॉईल कर लेना है। नाउ ऐड 2 टीस्पून ऑयल। थोड़ी सी नूडल्स बॉईल हो गई, उसके बाद मैंने ऑयल ऐड किया है। हम नूडल्स चेक कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा बॉईल नहीं करनी है आपको नूडल्स। अब इसे मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल दिया है। स्ट्रेनर में निकालने के बाद पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है और मैदे की डस्टिंग करनी है। यहाँ अप्रॉक्स मैंने 1.5 टीस्पून मैदा ले लिया है, इसकी अच्छे से डस्टिंग कर देंगे। अब इसको लास्ट में फ्राई करके हमें वेजेस में ऐड कर देना है। नाउ टेक 2 अनियन, 1 कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली, सबको मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। अब सॉसेस में हमें लगेंगी टोमेटो सॉस, विनेगर, सेजवान चटनी, सोया सॉस एंड चिली सॉस। नाउ इन अ बोल टेक 1 टीस्पून चिली सॉस, 3 स्पून टोमेटो सॉस। घर के ही स्पून से मैं सारी सॉसेस मेज़र कर रही हूँ। सोया सॉस 1/2 टीस्पून, विनेगर 1 टीस्पून, सेजवान चटनी 1/2 टीस्पून, पास्ता मसाला 1/4 टीस्पून, मैगी मसाला ये भी हम 1/4 टीस्पून अप्रॉक्स लेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून। इन सब सॉसेस इन पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है और ये हमारी सॉस रेडी है फॉर चाइनीज भेल। इन अ कढ़ाई टेक 3 टीस्पून ऑयल, ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुक इट टिल इट बिकम लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन हो चुकी है। नाउ आई एम एडिंग अनियन, कैरेट, कैप्सिकम एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। नूडल्स में भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए अभी हम 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। लेट देम कुक फॉर 1 मिनट। आफ्टर दैट आई एम एडिंग कैबेज। स्टर इट कंटिन्यूसली। आई एम कुकिंग इट ऑन हाई फ्लेम। नाउ आई एम एडिंग सॉस। जो हमने सॉस पहले बनाई थी उसको ऐड कर देना है, सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमारी वेजेस रेडी हैं, जब हमें सर्व करना है इन वेजेस में हम नूडल्स को फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। एट लास्ट हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून फॉर बाइंडिंग। कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून में थोड़ा सा आपको लेना है पानी। इन दोनों को मिक्स करके हम अपनी वेजेस में ऐड कर देंगे। मेरे को सोया सॉस थोड़ी कम लग रही है तो थोड़ी सी सोया सॉस भी मैं ऐड कर लेती हूँ। अब हम नूडल्स को फ्राई करेंगे। तो मैंने एक पैन में ले लिया है ऑयल। ऑयल गर्म होने पर मैं डाल दूँगी नूडल्स जो हमने बॉईल की थी। इसे आपको फुल फ्लेम पर कुक करना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। लाइट ब्राउन होते ही हमें इसे निकाल लेना है। इसे फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। हमारी नूडल्स अप्रॉक्स 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कलर भी लाइट ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है, अब हम इन्हें निकाल देंगे। इसी तरीके से मैं सेकेंड बैच भी नूडल्स का फ्राई कर लूँगी। 2 बैचेस में मैंने नूडल्स फ्राई की हैं। नूडल्स फ्राई करने के बाद अब मैं इसे जो हमने सॉस बनाई थी उसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी नूडल्स हमारी बनी है। अब इस सॉस में मैंने नूडल्स को ऐड कर दिया है। फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे। नूडल्स ऐड करने के बाद आपको फ्लेम ऑन नहीं करना है, फ्लेम ऑफ करके अच्छे से मिक्स कर देना है। नाउ योर टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज भेल इज रेडी टू सर्व। ट्राई दिस चाइनीज भेल एट योर होम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन कॉमेंट बॉक्स बिलो।
If you like my recipes, please like my video, subscribe my channel, also press bell icon for latest video notifications. आप मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी परफेक्ट रेसिपीज देख सकते हैं. So please have a look on my channel. Thank you.